मूवी की शुरुआत में हम 5 साल की बच्ची को एक रूम में देखते हैं, जिसका नाम वेरोनिका है और उसके पेरेंट्स की हाल ही में डेथ हो गई है। इसलिए डिटेक्टिव विलियम उससे पूछताछ करता है, लेकिन वेरोनिका शांत रहती है। तब विलियम उसे एक पजल सॉल्व करने के लिए देता है, जिसे वेरोनिका जल्द ही सॉल्व कर देती है। वेरोनिका का माइंड देख कर विलियम उसे एक परफेक्ट गर्ल कहकर बुलाता है। फिर विलियम उसे ऐसी जगह पर चलने के लिए कहता है जहाँ लोगों को मिशन पूरा करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उन्हें स्पेशल जॉब दे दी जाती है। वेरोनिका उससे जॉब के बारे में पूछती है, तो विलियम उसे बताता है कि तुम्हें उन बुरे लोगों को मारना होगा जो निर्दोष लोगों को मजे के लिए मारते हैं। अब हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वेरोनिका अपनी ट्रेनिंग की लास्ट लेवल पर होती है और विलियम के साथ जंगल में जाती है। विलियम वेरोनिका को जंगल में बिना जूते पहने भागने की ट्रेनिंग देने के लिए उसे गीली चट्टानों पर नंगे पैर खड़ा कर देता है, जिसके बाद वो वेरोनिका से पूछता है कि अगर तुम्हारे सामने किलर आ जाए तो तुम उससे कैसे बचोगी, जिस पर वेरोनिका किलर को गन से मारने को कहती है। ये सुनकर विलियम उसे एक गन देता है और उससे खुद पर शूट करवाने लगता है, लेकिन गन खाली होती है। तभी विलियम उस पर पत्थर फेंकता है और उसे बताता है कि अगर तुम्हारी गन की गोलियां खत्म हो जाएं तो गन तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। असल में विलियम वेरोनिका को इतना स्ट्रांग बनाना चाहता था कि उसे किसी को मारने के लिए किसी हथियार की जरूरत ना पड़े। इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट में जैमसन, डेनियल, सेन और नेल्सन नाम के लड़कों को देखते हैं, जो कि सेन के फियांसे जेनिफर के साथ बैठे होते हैं। असल में ये चारों लड़कियों का शिकार करके उन्हें मारते हैं, पर जेनिफर को उनकी सच्चाई के बारे में पता नहीं होता। खैर, तब इस ग्रुप के लीडर जैमसन की नजर ग्वेन नाम की एक वेट्रेस पर जाती है, जो कि इस रेस्टोरेंट में नई थी। जैमसन ग्वेन को अपना शिकार बनाने का सोचता है, इसलिए वो उसका नंबर लेने के लिए उसके पास जाता है। ये सब देखकर जेनिफर को अजीब लगता है। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं, जो वेरोनिका को ट्रेनिंग देने के लिए उसका गला घोटने लगता है, जिससे वेरोनिका अपना बचाव नहीं कर पाती। इसलिए विलियम उसे छोड़ देता है और वेरोनिका की जगह बैठकर उसे भी ठीक इसी तरह गला घोटने का कहता है। जब वेरोनिका विलियम का गला दबाती है, तब वो अपने आप को उससे नहीं बचा पाता और गला चोक होने के कारण बेहोश हो जाता है, जिससे वेरोनिका घबरा जाती है और उसे थप्पड़ मारकर जगाने लगती है। तब विलियम होश में आता है और वेरोनिका की पावर देखकर हैरान होता है। इसके बाद विलियम उसे तेजी से गन लोड करना सिखाता है, जिससे वेरोनिका अब उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाती है। इधर हम जैमसन को देखते हैं, जो ग्वेन को अंधेरे जंगल में ले जाता है और उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं। यहाँ विलियम वेरोनिका के स्किल देखने के लिए उसे बार में ले जाता है और उसे एक आदमी के पास जाने का ऑर्डर देता है। तब वेरोनिका उस आदमी को अपने साथ वॉशरूम में चलने का कहती है, जिस पर वो आदमी वेरोनिका का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में ले जाता है, जहाँ वेरोनिका उसका गला घोटकर उसे बेहोश कर देती है। तभी विलियम वहाँ आता है और उसके स्किल की तारीफ करने लगता है। यहाँ विलियम उस बेहोश पड़े आदमी को थप्पड़ मारकर जगाता है और उससे कहता है कि तुमने वेरोनिका को जबरदस्ती छूने की कोशिश की थी। ये सुनकर वो अनजान आदमी वेरोनिका से माफी मांगने लगता है। दूसरी तरफ जंगल में ग्वेन अपनी जान बचाने के लिए भागती है और जैमसन के दोस्त उसे मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। जल्द ही वो लोग ग्वेन को पकड़ लेते हैं और जैमसन उसे गोली मारकर मार डालता है। यहाँ रात के समय में वेरोनिका टॉवेल पहनकर विलियम के पास लेट जाती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन विलियम उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाना चाहता था। बाद में विलियम वेरोनिका को एक स्ट्रेचर चेयर पर बांधता है और उसे एक ड्रग देने लगता है। ये ड्रग इंसान को हेलुसिनेट करके उसे उसके डर का सामना कराता है, पर वेरोनिका कहती है कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। पर जब विलियम उसे ड्रग वाला इंजेक्शन लगाता है, तो उसे हेलुसिनेशन होता है कि वो एक आदमी से लड़ रही है और वो आदमी उस पर हावी हो रहा है। वेरोनिका बहुत घबरा जाती है। तभी उसे फिर से हेलुसिनेशन होता है, जिसमें विलियम उसके पास आता है और वो विलियम को प्रपोज करती है, लेकिन तभी विलियम उसके दिल में चाकू मारकर उसे मार देता है। अब विलियम वेरोनिका के ऊपर एक बाल्टी पानी डालकर उसे वापस होश में लाता है और उससे हेलुसिनेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वेरोनिका बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मिशन में हार जाऊंगी। इसके बाद विलियम उसे उसका टारगेट बताने के लिए रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ वो दोनों जैमसन और उसके ग्रुप को रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं। यहाँ वेरोनिका को पता चलता है कि जैमसन और उसके साथियों ने अपने मजे के लिए कई लड़कियों को मारा है। तभी वेरोनिका जेनिफर को नोटिस करती है। जब जैमसन का ग्रुप रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, तब वेरोनिका उन किलर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए जेनिफर के पास जाती है। असल में वेरोनिका उससे दोस्ती करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी, इसलिए वो जेनिफर को खुश करने की
की कोशिश करती है। तब जेनिफर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के बारे में बताती है कि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त ठीक नहीं लगते और वो एक दूसरे से जल्द ही अलग होने वाले हैं। इसके बाद वेरोनिका विलियम को बताती है कि बहुत जल्द जेम्सन का ग्रुप टूट रहा है। तब विलियम उससे कहता है कि तुम्हें चारों लड़कों को जान से मारना होगा और ये मिशन तुम्हें अकेले ही पूरा करना होगा। कुछ दिनों बाद जब जेम्सन रेस्टोरेंट में आता है तो उसकी नजर वेरोनिका पर जाती है, जो कि अपने मिशन के लिए जानबूझकर उस रेस्टोरेंट में आई थी। जेम्सन वेरोनिका के पास जाता है, तब वो उसे बताती है कि वो शहर में नहीं है। तभी जेम्सन उसे सैटरडे नाइट में इसी जगह मिलने का कहता है। फिर हम सैटरडे के दिन जेनिफर को देखते हैं, जो सेन की टाई ठीक करने में उसकी मदद करती है और सेन उसे बताता है कि आज वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाने वाला है। तभी जेम्सन सेन को लेने आ जाता है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। इधर हम नेल्सन को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ डिनर खत्म कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त उसे पिकअप करने के लिए आ जाते हैं, इसलिए वो एक बैट लेकर जेम्सन की कार में जाकर बैठ जाता है। दूसरी ओर डेनियल अपनी कुल्हाड़ी के साथ घर में डांस कर रहा होता है। तभी जेम्सन उसे भी पिकअप कर लेता है और वो चारों उसे रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। इधर वेरोनिका तैयार हो जाती है और विलियम को प्रपोज करने के लिए मिरर पर आई लव यू लिख देती है। इसके बाद वो जेम्सन से मिलती है और जेम्सन उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। यहाँ जेम्सन और उसके दोस्त टिक्सुडो पहनकर आए हुए थे, क्योंकि वो हमेशा टिक्सुडो पहनकर लड़कियों को मारते थे। फिर जेम्सन अपने दोस्तों से कहता है कि वो कार में वेरोनिका को ना डराएं। रास्ते में वेरोनिका पूछती है कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ और भी लड़कियाँ होंगी, जिस पर जेम्सन हाँ में जवाब देता है। तभी डेनियल उसे एनाबेल नाम की लड़की से मिलवाने का वादा करता है और सभी दोस्त उसकी बात पर हंसने लगते हैं। दरअसल वेरोनिका भी ये बात जानती थी, लेकिन उन लोगों का उस पर शक ना हो इसलिए वो उनसे इस तरह के सवाल पूछ रही होती है। फिर नेल्सन कार की विंडो से बाहर निकलता है और अपने बेसबॉल से सड़क पर बने निशान को तोड़ने लगता है। कुछ देर बाद वो वेरोनिका को भी ऐसा करने का कहता है और वेरोनिका उसकी बात मानकर मेलबॉक्स को तोड़ने लगती है, जिससे जेम्सन इम्प्रेस हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि वो वेरोनिका के साथ एंजॉय करने के लिए उसे ज्यादा समय तक साथ रखेंगे। इसके बाद जेम्सन कार को सड़क के किनारे पार कर देता है और वो सभी वेरोनिका को लेकर जंगल में जाने लगते हैं। वो सभी उसे अपनी जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पहले से ही कुर्सियाँ रखी हुई थी। यहाँ वेरोनिका सबसे पूछती है कि वो यहाँ आकर क्या करते हैं, जिस पर डेनियल उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है। इस बात पर वेरोनिका मान जाती है और सभी को अपनी ड्रिंक ऑफर करती है। दरअसल वेरोनिका ने इस ड्रिंक में वही ड्रग मिलाया हुआ था, जिससे लोगों को हेलुसिनेशन होने लगता है। सभी बारी बारी से ड्रिंक पीते हैं, लेकिन जेम्सन ड्रिंक करने से मना कर देता है। इसके बाद वो नए ट्विस्ट के साथ ट्रुथ एंड डेयर खेलने का कहता है। जेम्सन खेल शुरू करता है और सबसे पहले ट्रुथ को चुनता है, जिस पर वेरोनिका उससे उसके सबसे बुरे काम के बारे में पूछती है, जिस पर जेम्सन बताता है कि जब वो पिता के साथ खरगोश का शिकार कर रहा था, तब उसने खरगोश के पैरों पर गोली मारी, जिससे वो खरगोश लंगड़ाकर चलने लगा। तब उसके पिता ने खरगोश को चाकू से खत्म करने के लिए कहा, पर उसने खरगोश को नहीं मारा और खरगोश तड़प कर अपने आप मर गया। इसके बाद वेरोनिका भी ट्रुथ चुनती है। तब जेम्सन उससे वही सवाल पूछता है जो अभी अभी वेरोनिका ने उससे पूछा था। इस सवाल पर वेरोनिका बताती है कि मेरे पास किसी की जान बचाने का मौका था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये सुनकर डेनियल उससे डिटेल में बताने का कहता है, लेकिन वेरोनिका मना कर देती है, इसलिए डेनियल इसके बदले उसे उसकी ड्रिंक पीने का कहता है। तब वेरोनिका उस हेलुसिनेशन वाली ड्रिंक को पी लेती है, क्योंकि उसे उस ड्रग को सहन करने की आदत हो चुकी थी। अब नेल्सन डेयर चुनता है और उसे कुछ मारने के लिए कहा जाता है, इसलिए वो जमीन से एक कीड़ा उठाकर उसे खा जाता है। ये देखकर वेरोनिका को बहुत अजीब लगता है। इसी बीच वेरोनिका पूछती है कि बाकी की लड़कियां कब आएंगी, जिस पर जेम्सन कहता है कि जब तक लड़कियां नहीं आ जाती तब तक हम गेम खेलेंगे। इसी तरह ट्रूथ और डेयर खेलते हुए जेम्सन को वेरोनिका को किस करने का डेयर दिया जाता है, पर जब वेरोनिका की बारी आती है तो डेयर के लिए उसके हाथों को बेल्ट से बांध दिया जाता है और सभी उसे मारने की बात करने लगते हैं, जिससे वेरोनिका ऐसा दिखावा करने लगती है जैसे वो उनसे डर गई हो। वो सबसे उसे घर छोड़ने का कहती है, जिस पर जेम्सन उसे भागने के लिए 5 मिनट का टाइम देता है, इसलिए वेरोनिका वहां से भाग जाती है। कुछ ही समय बाद डेनियल, नेल्सन और सेन उसका शिकार करने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ वेरोनिका अपने हाथों को खोल लेती है और अपने मिशन को पूरा करने की तैयारी करती है। इस बीच डेनियल को उस ड्रग का असर होने लगता है और उसे अपने सामने 2 मैस्कोट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें मारने के लिए वो अपनी कुल्हाड़ी घुमाने लगता है।
तभी वेरोनिका वहां जाती है और डेनियल को पीट कर उसकी कुल्हाड़ी उठा लेती है और उस पर वार करके उसे मार डालती है। डेनियल को मार कर वो उसके जूते पहन लेती है ताकि वो जंगल में तेज भाग सके। दूसरी ओर हम नेल्सन को देखते हैं जिसे हेलुसिनेशन होता है कि उसे कुछ मास्क पहने लोगों ने घेर लिया है, इसलिए वो डर कर अपनी माँ को बुलाने लगता है। तभी वेरोनिका उसका बैट लेकर उसे मारने लगती है और उस पर हावी हो जाती है। जबकि नेल्सन को अपनी माँ को किस करने का हेलुसिनेशन होने लगता है, तब वेरोनिका उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे भी मार डालती है। इसके बाद जब जैमसन जंगल में जाता है तो उसे डेनियल की लाश दिखाई देती है। तभी हम जेनिफर को देखते हैं जो सेन को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाती है और जैमसन से मिलती है। फिर हमें पता चलता है कि जेनिफर जैमसन की एक्स गर्लफ्रेंड है। जैमसन जेनिफर को ताना मारता है और उसे किस करता है। तभी सेन को जेनिफर की कार दिखाई देती है, इसलिए वो जेनिफर को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है और देखता है कि जैमसन उसे किस कर रहा है। तब जैमसन उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग प्यार नहीं कर सकते। साथ ही वो जेनिफर को अपने ग्रुप की सच्चाई बता देता है, जिसके बाद वो जेनिफर को मारने के लिए उस पर गन तान देता है क्योंकि अब वो उनके बारे में जान चुकी थी। लेकिन सेन बीच में आ जाता है और जैमसन को पीट पीट कर बेहोश कर देता है। साथ ही वो जेनिफर को बचाने की जगह उसका गला घोटने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब सेन का हेलुसिनेशन था और जेनिफर इस जंगल में नहीं आई थी, बल्कि सेन जेनिफर की जगह वेरोनिका का गला दबा रहा होता है। पर वेरोनिका अपना सेल्फ डिफेंस करके सेन का गला पकड़ लेती है और उसे जान से मार डालती है। इस बीच जैमसन को नेल्सन की बॉडी मिलती है और थोड़ी देर बाद वो वेरोनिका को एक झील के किनारे देखता है, जहाँ वो वेरोनिका से उसके काम की तारीफ करता है। इसके बाद जैमसन वेरोनिका से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे दोस्तों को कैसे मारा। तब वेरोनिका उसे हेलुसिनेशन ड्रग के बारे में बताती है। अब वेरोनिका जैमसन से पूछती है कि तुमने अब तक कितनी लड़कियों को मारा है, जिस पर जैमसन कहता है कि तुम्हें मिलाकर 21 यंग लड़कियां हो जाएंगी। इसके बाद जैमसन अपने दोस्तों की मौत के लिए वेरोनिका के फेस पर वार करता है और फिर वेरोनिका को शादी के लिए प्रपोज करता है ताकि वो एक साथ मिलकर लोगों को मार सकें। लेकिन वेरोनिका उससे मना करके उस पर हमला कर देती है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो जैमसन के मुंह में वही ड्रग वाली ड्रिंक डाल देती है और उसे खींचकर एक छोटी सी चट्टान पर खड़ा कर देती है। जब जैमसन को होश आता है, वेरोनिका उसे वार्न करती है कि अगर उसने चट्टान से पैर हटाया तो वो फांसी लगने के कारण मारा जाएगा। यहाँ जैमसन उससे अपनी जान की भीख मांगता है। तभी अचानक से जैमसन को ग्वेन और वो लड़कियां दिखाई देती हैं जिन्हें उसने बेरहमी से मार दिया था। असल में ये सब उस ड्रग के कारण हो रहा था। जैमसन डर के कारण रोने लगता है और उन लड़कियों से दूर जाने के लिए चट्टान से पैर हटा लेता है, जिससे उसे फांसी लग जाती है। तभी विलियम उसके पास आता है। असल में विलियम जंगल में वेरोनिका की मदद करने के लिए उस पर नजर रखे हुए था। खैर, इसके बाद वेरोनिका और विलियम अपनी जीत की खुशी में रेस्टोरेंट जाकर केक खाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।